अच्छा डिसाइड हो रहा है म्यूट पार्टनर है कौन। कैसे हैं आप? ठीक हो? सबसे पहले अर्चना जी नमस्कार। सोहर जी आदान। देखिए मजाक अपनी जगह, लेकिन हमको अपने शरीर की सफाई रखनी है। नहीं, देखिए मैं ये जो ऑडियंस है, इस ऑडियंस को मैं जिनकी चका थी चिता। मैं देखिए हम कुछ सिंसियरली बातें करें। इंसान जब भी कुछ करना चाहता है, हेलो, इस पापी पेट के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, आप समझो। सोहेल जी, जब भी मैं आपके कमेंट सुनता हूँ तो मैं हेडफोन लगा लेता हूँ, मुझे और अच्छा लगता है। जो रतालियाँ मैंने जब भी कुछ किया है जिंदगी में, बहुत ही ये आप लोग समझते नहीं है इस बात को। ए तू क्या देख रही है, इधर उठ जा, चल। लेकिन अर्चना जी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। सोहेल जी, ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक चिका ढिंक। देखिए आज म्यूट पार्टनर राउंड है, आज मैं बोल तो नहीं सकता लेकिन हरकत तो कर सकता हूं। मैं हूं डॉक्टर किशोरीलाल। देखिए हंसना बिल्कुल नहीं, मैंने हर तरीके के यहाँ पे इलाज करता हूँ, पागलों का भी इलाज कर रहा हूँ। हिमेश जी का इलाज भी मेरे पास चल रहा है, पिंकू जी भी मेरे पास हैं, एक सुनील जी हैं, कोई प्रोड्यूसर, कोई मिस्टर मनी फिल्म बना रहे हैं, उनका भी मैं इलाज कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत पागल हो गए, सिर्फ कृष्णा को लेकर फिल्म बना रहे हैं। अकेला बंदा फ्लॉप करा लेगा वो, कितने बेवकूफ लोग हैं। खैर सिस्टर को बुलाता हूँ, अकेला सिस्टर, ये सिस्टर मेरी वाइफ है। हेलो, आजकल डॉक्टर क्या करते हैं, सिस्टर को रखते हैं उसके बाद वाइफ बनाते हैं। मैं अपनी वाइफ को सिस्टर बना दिया, पैसा भी बच गया, घर की घर में रहेगी, जो रहता है मेरी सिस्टर वाइफ के लिए। हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है अपने मरीज वगैरह? देखो मामा जी आए हुए हैं, पहले उनसे मिल लो आप। मामा जी फिर आए? आज आपको एक बात जान के बहुत दुख होगा कि वो बेचारा बोल नहीं सकता। क्यों, क्या हुआ उसको? क्योंकि उसकी नजरें कमजोर हो चुकी हैं। अरे नजरों से बोलने का क्या मतलब, जूते पहने हैं ना तो बोल सकता है वो। सर एक बार बहुत देर से चुड़ैल भी बैठी हुई है। बैठी हुई है ना, थक नहीं जाएगी, कुर्सी पर ही है। ये क्या बात कर रहा है, देखो से यार ये। मैं समझ गया ये मेरा मामा है, इसको बेड पे आने की इतनी जल्दी होती, इस सुहाग रात को मैंने देख लिया था इसको। सो चीप, वेरी बैड। मामा जी, अरे बच्ची है, छोड़ो चार पांच इसको। आजा आजा आजा, एक मिनट आजा। मामा जी आप सीधा यहाँ पे आ गए, हमें बताते हम गाड़ी भेज देते आपको कुचलने के लिए। नहीं नहीं, इनका मतलब लेने के लिए, आपको लेने के लिए आ जाती ना गाड़ी। मामा जी बच्ची है, छोड़ो चार पांच। आ जा। मामा जी और बताइए क्या बात है, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई थी? इनकी आंखों में बड़ी प्रॉब्लम है। आंखों में प्रॉब्लम है? हाँ। कोई बात नहीं,
आंखों का इलाज करवाने आए हो? क्या प्रॉब्लम है? आंखों का इलाज क्यों करवाना चाहते हो? मामी जी के साथ डेट पे जाना है, किस करनी? अरे मामी जी के साथ किस करनी है तो आंखों का क्या काम? किस करते वक्त आंखें तो मेरी बंद हो जाती हैं। अच्छा मामा जी, आप अपनी आंखों का इलाज करवाना चाहते हैं, लेकिन मैं बड़े डॉक्टर से बात करना चाहता हूं, मेरे बस में नहीं है थोड़ा सा। डॉक्टर गुप्ता, या देखो, तुम्हें जो भी करना है ध्यान से करो ना, जब तुम नहीं अकल सीखोगे तो ऐसे नहीं होगा। ना अकल तो तुम्हें करनी पड़ेगी। नहीं मैं नहीं जानता। ना नहीं, मैं नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं आप देख लो अपना। ना अकल वाला काम करो। नहीं सुनो देखो, मेरे मामा जी की आंखें हैं, आंखों का सवाल है। दो आंखें हैं, कितने की लोगे? नहीं अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत आश की आंखें हैं। अरे देशों विदेशों की कुड़ियों को तार चुके हैं ये। पूरा शरीर बेचना, कितने का बिक जाएगा? नहीं मामा जी बहुत अच्छे डांसर हैं। इतने पैसे दे दोगे? इतने में तो इनके मामा को भेज दूंगा मैं। हाँ जी अच्छा, नहीं सिर्फ आपको डांस ही करवाना है तो सिर्फ मैं फिर इनकी टांगे भेज देता हूँ, आप वेट करो, आइए। अरे अरे मामा जी क्यों नाराज होते हैं? अपने ही भांजा है, छोड़ो ना तीन चार। आना ये कह रहे हैं जैसा हम लोग कर रहे हैं ना, यहाँ पे 8-8 मिलेंगे। अरे कोई बात नहीं, अपने जज हैं, छोड़ो ये 4-5।